episode 20. ज़ियाद के हलक से मजबूरी की हालत में जो आवाजें निकल रही थीं, वो इसलिए भी मौसर साबित न हुई कि ख्वाजा सरा अपनी बुलंद और मोटी आवाज में सवारों को कोई दिलचस्प वाकया सुना रहा था। हसन ने डेहड़ी में पहुंचकर उन्हें इस तरफ मुतवज्जे किया और वो अपने घोड़े साइज के सुपुर्द करके अंदर दाखिल हुए। ख्वाजा सरा उनके आगे था। उसने सहन में पहुंचते ही शोर मचाना शुरू किया। ये क्या हो रहा है? अब आधी रात हो चुकी है, शहजादा रास्ते में परेशान हो रहा होगा। उन्होंने कहा था कि जब तक हम नहीं पहुंचेंगे वो खाना नहीं खाएंगे। ज़ियाद की खामोशी पर साद ने अपनी तलवार पर थोड़ा सा दबाव देने के बाद आहिस्ता से कहा, बुलाओ इन्हें। ज़ियाद ने अपने साथियों से कहा, तुम यहाँ से जरूरी सामान उठवाकर बग्घी में रखवा दो, हम तैयार हैं। ख्वाजा सरा ने पूछा, ऊपर आने का रास्ता कहाँ है? हमें तारीकी में कुछ पता नहीं चलता। वो शमा कहाँ है जो करतबा के महफिलों की जीनत बनने वाली है? हसन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ। साद ने ज़ियाद को अंदर ढकेलते हुए मैमूना के नौकरों को इशारा किया और उन्होंने उसे रस्सियों से बांधना शुरू किया। जीने पर ख्वाजा सरा शोर मचा रहा था। तौबा, कितनी तारीकी है! अरे देखो, तुम मुझे पीछे से क्यों ढकेल रहे हो? एक सिपाही कह रहा था, तुम आराम से बग्घी में क्यों नहीं बैठे? ऊपर के बरामदे में पहुंचकर ख्वाजा सरा और उसके साथी एक सानिए के लिए रुके। दो कमरों के दरवाजे खुले थे लेकिन अंदर तारीकी थी। तीसरे कमरे का दरवाजा रोशन था। आप कहाँ हैं? ख्वाजा सरा ने कहा। पीछे से हसन ने कहा, आगे चलो। ख्वाजा सरा आगे बढ़ा लेकिन सिपाही तजब्जुब की हालत में वहीं खड़े रहे। मान साद एक कमरे से नमूदार हुआ और उसने एक सिपाही को गले से दबोच लिया। दूसरा सिपाही तलवार निकाल रहा था कि हसन ने पीछे से एक हाथ से उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ डाली और दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर खंजर रखते हुए कहा, तुम्हारी जद्दोजहद फजूल है, अगर तुमने कोई हिमाकत ना की तो तुम्हारे जिस्म पर खराश तक नहीं आएगी। ख्वाजा सरा को रोशनी से जिस कदर मोहब्बत थी इसी कदर नफरत हो रही थी। वो रोशन कमरे के दरवाजे के करीब खड़ा कांप रहा था। मैमूना बाहर निकली और चमकती हुई तलवार उसकी तोंद की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अगर तुम्हारे मुंह से कोई आवाज निकली तो। मैमूना ने अपना फिक्रा पूरा करने के बजाय तलवार जरा आगे बढ़ा दी और ख्वाजा सरा ने दहशत के मारे आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद साद, हसन और मैमूना के नौकर इन तीनों को ज़ियाद के करीब लिटाकर रस्सियों से जकड़ रहे थे और मैमूना उनके करीब खड़ी अपने माजी के उस दिन का तसव्वुर कर रही थी जब करतबा में साद उसकी मदद के लिए पहुंचा था। करतबा में उसके बचपन और अशबीलिया में उसकी जवानी के दरमियान बरसों और महीनों का खला पुर हो चुका था। वो महसूस कर रही थी कि साद हमेशा उसके साथ था, उसकी दुनिया हमेशा मुकम्मल थी। हसन ने कहा, अब सिर्फ कोचवान बाकी है, मैं उसे ले आता हूँ। साद ने कहा, उसे नीचे किसी कमरे में बंद कर दो, अब हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हसन एक नौकर को साथ लेकर नीचे उतर गया। साद ने बाकी नौकरों से कहा, हम बहुत दूर जा रहे हैं, तुम में से जो हमारे साथ जाना चाहते हैं वो फौरन अस्तबल से अपने लिए घोड़े तैयार कर लें। बूढ़े नौकर ने जवाब दिया, हम में से कोई भी इस शहर का बाशिंदा नहीं, हम सब आपके साथ जाएंगे और अस्तबल से ज्यादा घोड़े ले जाने की जरूरत नहीं, सिपाहियों के दो घोड़े नीचे खड़े हैं, साइस बग्घी पर होगा। बहुत अच्छा, सिर्फ हसन के घोड़े पर जीन डाल दो। ये कहने के बाद साथ खादमा की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो आगे बढ़कर बोली, मेरा कोई घर नहीं, मैं मैमूना के साथ जाऊंगी। साद ने मैमूना से कहा, तुम फौरन अपना जरूरी सामान ले लो लेकिन जल्दी, मैं कब की तैयार हो चुकी हूँ। ये कहकर मैमूना एक नौकर को दूसरे कमरे में ले गई और एक छोटा सा संदूक उसके हवाले कर दिया। साद ने रस्सियों में जकड़े हुए सिपाहियों को घसीट कर अलहदा अलहदा कमरे में डालकर दरवाजे बंद कर दिए और ख्वाजा सरा को छत की तरफ जाने वाले जीने में बंद कर दिया। इतनी देर में हसन ने वापस आकर इत्तला दी कि वो कोचवान को नीचे बंद कर आया है। हसन, तुम मैमूना और खादमा को बग्घी में बिठा दो और नौकरों से कहो कि वो घोड़ों पर सवार हो जाएं, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर साद कोने के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में शमा जल रही थी। ज़ियाद फर्श पर मुंह के बल पड़ा हुआ था। साद ने उसे पीठ के बल लिटाते हुए कहा, ज़ियाद, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे आका कल तक तुम्हें तलाश कर लेंगे, उनसे कह देना कि मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं, मैं फिर आऊंगा और मेरे हमरकाब वो तूफान और जलजले होंगे
جو اشبیلیا کے حکمران خاندان کی بنیادیں ہلا دیں گے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں اور مجھے تم سے ہر برائی کی توقع ہے، لیکن یاد رکھو، اگر ادریس کا بال بیکا ہوا تو معتمد کا کوئی قلعہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہوگا۔ کم از کم اپنی جان کے خوف سے تمہیں شہزادہ رشید کو کوئی ذلیل مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ زیاد کے ہاتھ پاؤں بری طرح رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور منہ میں ٹھنسے ہوئے کپڑے نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں زبان حال سے یہ کہہ رہی تھیں، میں تمہیں جانتا ہوں، اس دن شاہی محل کے دروازے پر تمہارے ساتھ میری پہلی ملاقات نہ تھی، میں نے اس سے پہلے بھی کہیں تمہیں دیکھا تھا، لیکن کہاں، کب؟ اس کے دماغ پر ماضی کے دھندلے نقوش ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ سعاد نے شمع بجھائی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بگھی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میمونہ، اس کی خادمہ اور سعاد اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن اور دونوں نوکر بگھی کے پیچھے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ادریس کا سائس بگھی چلا رہا تھا اور خطرات کے باوجود شاہی استبل کے چار سفید اور برق رفتار گھوڑوں کو ہانکنے میں ایک فرحت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اشبیلیا سے باہر نکل آئے۔ کوچوان تاریکی کے باعث بگھی کو قدر احتیاط کے ساتھ چلا رہا تھا۔ اشبیلیا سے 8 کوس دور ایک ندی کے پل کے پاس انہیں ایک سوار ملا۔ اس نے چلا چلا کر بگھی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جب کوچوان نے بگھی کو نہ روکا تو اس نے جلدی سے گھوڑا ایک طرف ہٹا لیا۔ بگھی آگے نکل گئی تو وہ پیچھے آنے والے سوار کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حسن نے اپنا گھوڑا اس کے قریب لاتے ہوئے سوال کیا، تم کون ہو؟ اجنبی نے جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کر دیا، زیاد اس بگھی میں ہے نا؟ ہاں۔ اکیلا ہے یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ خواتین بھی ہیں، لیکن تم کون ہو؟ مجھے شہزادہ رشید نے بھیجا ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ بس اب تم ان کے پاس پہنچنے ہی والے ہو، وہ یہاں سے کوئی 2 کوس کے فاصلے پر آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلے موڑ سے تمہیں ان کے پڑاؤ کی روشنی دکھائی دے گی۔ تھوڑی دور جا کر کوچوان نے بگھی کو دائیں ہاتھ موڑ کر ایک اور سڑک پر ڈال دیا تو اجنبی چلایا، ٹھہرو، بگھی کو روکو، یہ سڑک اس طرف نہیں جاتی۔ جب اس کی چیخ و پکار بے اثر ثابت ہوئی تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بگھی کے آگے کر دیا۔ حسن نے اپنا گھوڑا بگھی کے ساتھ ملا کر کوچوان سے کہا، بگھی روکو۔ کوچوان نے گھوڑے کو روکا تو اجنبی نے دروازے کے قریب آ کر کہا، دیکھیے کوچوان آپ کو دوسری سڑک پر لے جا رہا ہے۔ سہاد نے دروازے کا پردہ ہٹاتے ہوئے کہا، یہ کوچوان نیا ہے، تم گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اپنا گھوڑا سپاہیوں کے حوالے کر دو۔ اجنبی کو سعاد کی آواز کچھ غیر مانوس سی محسوس ہوئی اور اس نے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ اتنی دیر میں حسن اور اس کے ساتھی اجنبی کے گرد گھیرا ڈال چکے تھے۔ حسن نے اپنی تلوار سے اس کی ران پر ہلکا سا کچوکا لگایا اور کہا، اترو۔ اجنبی کو تلوار کے علاوہ حسن کے 2 اور ساتھیوں کے نیزے بھی اپنی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی سعاد نے بگھی سے کود کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اجنبی مجبوراً گھوڑے سے اتر پڑا۔ سعاد نے اس کا امامہ اتار کر اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے اور اسے بگھی کے اندر ڈھکیلتے ہوئے کہا، میمونہ، تم اس کا خیال رکھو، میں گھوڑے پر آتا ہوں۔ حسن نے کہا، بھائی جان، ہمیں اپنی توقع سے بہت زیادہ وقت مل جائے گا، رشید صبح سے پہلے دوسرا ایلچی نہیں بھیجے گا، اور انہوں نے بہت زیادہ عقل سے کام لیا تو بھی غالباً دوپہر سے پہلے وہ ادریس کے مکان کی تلاشی نہیں لیں گے۔ صرف ایک خطرہ ہے کہ زیاد کے نوکر یا کوتوالی کے سپاہی اس کی تلاشی میں وہاں پہنچ جائیں۔ مجھے یہ خطرہ نہیں، وہ سب جانتے ہوں گے کہ زیاد قرطبہ جا رہا ہے۔ جب وہ دروازے پر بگھی نہیں دیکھیں گے تو دور سے ہی یہ سمجھ کر واپس لوٹ جائیں گے کہ زیاد روانہ ہو چکا ہے۔ زیاد کی تلاش ہر صورت میں دوپہر سے پہلے شروع نہیں ہوگی۔ الگ صبح وہ ایک غیر آباد علاقے سے گزر رہے تھے۔ کوچوان نے بگھی کو روکتے ہوئے کہا، میرے خیال میں قیدی کو یہاں اتار دینا چاہیے۔ سعد نے سوال کیا، یہاں سے قریب ترین بستی کتنی دور ہوگی؟ 3 میل کے دائرے میں یہاں کوئی بڑی بستی نہیں، کہیں کہیں چرواہوں اور کسانوں کے اکا دکا گھر ہیں اور وہ لوگ ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بن سکتے۔ قریب ترین پولیس کی چوکی یہاں سے کوئی 8 کوس دور ہوگی۔ سعد نے قیدی کو بگھی سے اتار کر پہلے ایک درخت کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا، لیکن بعد میں اسے کچھ خیال آیا اور اس نے کہا، انسانیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تمہیں بلا وجہ تکلیف نہ دوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم سیدھے اشبیلیا جاؤ
वहाँ इदरीस के मकान पर तुम्हारा शहर का कोतवाल बंद है। अगर तुम दूसरों से पहले उसकी मदद के लिए पहुँच जाओ तो कम अज कम उसे ममनून कर सकोगे। शायद अपने घोड़े के एवज तुम उसके अस्तबल से एक घोड़ा भी हासिल कर सको। अगर शहजादा रशीद मिले तो उससे कहना कि वो रोज़ हिसाब का इंतजार करे। साद ने कैदी के हाथ पांव खोल दिए और बग्घी दोबारा रवाना हो गई। कोई दो कोस और सफर करने के बाद जब वो एक घाटी पर से गुजर रहे थे, साद ने अपना घोड़ा बढ़ाकर कोचवान को इशारा किया और उसने बग्घी रोक ली। साद ने कहा, घोड़े बहुत थक गए हैं, मेरे ख्याल में सुबह के वक्त वैसे भी हमारा सरकारी बग्घी पर सफर करना ठीक नहीं। अगले शहर से गुजरते हुए हमें लोगों की तवज्जो से बचना चाहिए। हसन ने कहा, यह भी हो सकता है कि रशीद ज्यादा देर अपने एलची की वापसी का इंतजार करने के बजाय खुद अशबीलिया चला गया हो और वो इस वक्त तक हमारे ताकुब में रवाना हो चुका हो। इन घोड़ों को ताज़ा दम करने में हमें वक्त लगेगा। क्यों ना घोड़े खोलकर बग्घी को यहाँ छोड़ दें और सड़क के बजाय कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। मैं यही सोच रहा था, कुचवान ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक पगडंडी हमारे गाँव की तरफ जाती है। अगर हम वहाँ पहुँच जाए तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। हमारा सफर तवील जरूर होगा लेकिन इसका एक ये फायदा होगा कि हम वहाँ से चंद मील चलने के बाद उस सड़क पर पहुँच जाएंगे जो इस तजा से लोशा की तरफ जाती है। उससे आगे हमें कोई खतरा नहीं। साद ने कहा, अगर मुझे मालूम होता तुम इस रास्ते से वाकिफ हो तो मैं इस कदर परेशान न होता। मेरे ख्याल में बग्घी को ठिकाने लगाने के लिए ये जगह मौजू है। थोड़ी देर में वो घोड़ों को खोलने के बाद बग्घी को सड़क के नीचे एक गहरे खड्ड की तरफ ढकेल चुके थे। बूढ़े नौकर ने मैमूना का मुख्तसर सामान संदूक से निकाला और उसे एक गठरी में बांधकर अपने आगे रख लिया। हसन और दूसरे नौकरों ने अपने घोड़े मैमूना और उसकी खादमा को दे दिए और खुद बग्घी के घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार हो गए। कुशवान भी बग्घी के एक घोड़े पर सवार हो गया। चौथा घोड़ा उन्होंने आजाद छोड़ दिया। सड़क छोड़कर पगडंडी पर कुछ देर चलने के बाद वो किसानों की एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे। इदरीस के साइज का गांव अभी चंद मील दूर था लेकिन उसके घोड़े जवाब दे चुके थे। साद को मजबूरन उसी बस्ती में उतरना पड़ा। किसानों ने इंतहाई खुलूस और मोहब्बत से उनकी मेजबानी की और उनके घोड़ों के लिए चारा मुहैया किया। थोड़ी देर क्याम करने के बाद वो वहां से रवाना हुए। गुरूब आफ्ताब से कबल वो दूसरे गाँव में पहुंच गए। रात उन्होंने इदरीस के साइस के घर में काटी और पिछले पहर वहां से कूच किया। अगली रात वो लोशा पहुंच गए। लोशा के चंद नौजवान गरनाता की फौजी मकतब में साथ के साथ तालीम पा चुके थे। उनमें से एक लोशा के काजी का लड़का था। साद ने किसी सराय में क्याम करने के बजाय उसका घर तलाश किया। काजी के लड़के ने इंतहाई तपाक से साद और उसके साथियों का खैर मकदम किया। मैमूना और उसकी खादमा मकान के जनाने हिस्से में ठहरे और साद और हसन के नौकरों को मेहमान खाने में जगह दी गई। साद के दोस्त और काजी ने दिलचस्पी के साथ साद की सरगुजिश सुनी लेकिन जब उसने ये कहा कि हम अलस सुबह रवाना हो जाएंगे तो काजी ने कहा, बेटा अब इतने तकलीफ देह सफर के बाद ख्वातीन को आराम की जरूरत है। तुम्हें यहाँ दो तीन दिन जरूर ठहरना चाहिए। अब तुम खतरे से बहुत दूर आ चुके हो। साद के दोस्त ने ज्यादा शिद्दत के साथ इसरार किया कि आपको कम अज कम कल का दिन आराम करना चाहिए। भला आखिर साद ने कहा, मुझे हसन और बाकी साथियों के यहाँ ठहरने पर कोई एतराज नहीं लेकिन मैं यहाँ से तीसरे पहर रवाना हो जाऊंगा। मुझे बहुत जल्द कुस्तुला पहुँचना है। आपको मुझे एक ताज़ा दम घोड़ा अभी देना पड़ेगा। काजी ने कहा, आप घोड़े की फिक्र न करें लेकिन कुस्तुला आप किस लिए जा रहे हैं? मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि इस लड़की का भाई वहाँ गया हुआ है। मुझे इस बात का यकीन हो चुका है अगर उसे बरवक्त खबरदार न किया गया तो उसे गिरफ्तार करके कर्तबा पहुँचा दिया जाएगा और वो वहाँ शहजादा रशीद और उसके बदनीयत मुसाहिबों के रहम करम पर होगा। काजी ने कहा, फिर आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप जरूरत महसूस करें तो मैं यहाँ से चंद आदमी आपके साथ भेज सकता हूँ। साद ने जवाब दिया, नहीं, इस काम के लिए एक से ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं। काजी ने कहा, इस महीने की 15 तारीख को काजी अबुल वलीद की दावत पर बेगा में कौम के अकाबिर और उल्मा का एक बहुत बड़ा इज्तमा होगा। मुझे भी उनकी दावत आई है। गरनाता से काजी अबू जाफर भी गालिबन वहां तशरीफ लाएंगे। काजी अबुल वलीद हाल ही में उंदलुस का दौरा करके वापस आए हैं।
وہ غالباً یہ تجویز پیش کریں گے کہ اندلس کے مختلف شہروں کے بااثر علماء ایک وفد کی صورت میں تمام ملوک الطوائف سے ملاقات کریں اور انہیں دشمنان اسلام کے خلاف ایک متحد محاذ بنانے پر آمادہ کریں۔ سعد نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آج ملوک الطوائف سے زیادہ اسلام کا کوئی اور دشمن نہیں۔ وہ دنیا کی ہر لذت اور رسوائی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام کے نام پر کبھی متحد نہ ہوں گے۔ میں تمہارے ساتھ متفق ہوں، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس اجتماع میں تم جیسے نوجوان موجود ہوں۔ سعد نے کہا، میں 15 تاریخ تک بیغا پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مکان کے دوسرے حصے میں میمونہ عشاء کی نماز پڑھنے اور کھانا کھانے کے بعد گھر کی خواتین کے ساتھ باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ صبح کے وقت جب وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی تو اس کی خادمہ اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی، میمونہ میمونہ اٹھو، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ میمونہ نے جلدی جلدی وضو کر کے نماز ادا کی اور خادمہ سے کہا، دیکھو تم نے مجھے ذرا سویرے کیوں نہ جگا دیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم پچھلے پہر روانہ ہو جائیں گے، اتنی دیر ہو گئی، اب جا کر ان سے کہو کہ میں تیار ہوں۔ سعد کے دوست کی بہن، جو پہلی ملاقات میں ہی میمونہ کے ساتھ بے تکلف ہو چکی تھی، اس کے قریب آ کر بولی، بہن تیاری کی ضرورت نہیں، آج آپ یہیں رہیں گی، رات ابا جان نے ان سے اجازت لے لی تھی۔ میمونہ نے اپنی خادمہ سے کہا، یہ مذاق کرتی ہیں، جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ۔ خادمہ نے جواب دیا، وہ تو تیسرے پہر یہاں سے قسطرہ روانہ ہو گئے تھے۔ پیشکش رہبر ٹیم نے۔